अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये मेरा आज का लुक है। आज अल्लाह की हुकुम से जो है वो बस निकाह है। और यहाँ पे ना मेरी दोस्त आई हुई, ये कैमरा पकड़ के पड़ी है, और दूसरी जो है वो मेहंदी लगा रही है मेरे पाँव में। तो बस आप लोगों ने भी अपनी बहुत सारी नेक दुआओं में याद रखना है मुझे। बाकी का जो इवेंट होता है मेरी दोस्तें कवर करेंगी, तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर जो है ना, मैं सैलून से आ चुकी थी रेडी होकर। अब यहाँ पर ना मेरी दोस्त जो है थोड़ा सा वो नाम वाम लिख रही थी, और उसके बाद मेहंदी से उसने पैरों में भी डिज़ाइन लगा दिया। यहाँ पर जो है ना बारात आने में बस थोड़ी सी देर थी कि मैं यहाँ पर ऊपर जो है ना अपने रूम में बैठी हुई थी, और फोटोग्राफर भी आ गया था। अब यहाँ पर मैं अपने शूट के लिए जा रही हूँ। तो जो है ना घर में इस तरीके से कुछ सेटअप हुआ हुआ था, जो कि अम्मी ने मतलब बहुत ही प्यारा निकाह फ्रेम बनवाया हुआ था। और यहाँ पर जो है ना मेरा शूट हो रहा है, तो ये कंप्लीट लुक है जो कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में, तो आप लोगों को मैंने अपना मेकअप लुक दिखाया था, लेकिन अभी जो है ना ये फुल कंप्लीट लुक है, जिसके अंदर मेरा कंप्लीट ड्रेस भी नज़र आ रहा है, और घर के अंदर जो डेकोर हुआ था और सेटअप हुआ था वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो मतलब जो है ना आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये कि यहाँ पर माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। तो यहाँ पर जो है ना मेहमानों का वेट हो रहा था, और साथ साथ में इसी दौरान मेरा जो है ना शूट चल रहा था, जो कि मेरी दोस्त यहाँ पे मेरा व्लॉग शूट कर रही हैं और फोटोग्राफर मेरी पिक्चर शूट कर रहे हैं। अच्छा, जो है ना यहाँ पर अम्मी ने रियल वो होते हैं ना जैस्मीन के जो फूल होते हैं, उससे जो है ना ये बहुत प्यारा एक फ्रेम बनवाया हुआ था। साथ साथ में हमने निकाह की मालाएँ भी बनवाई थी, और साथ में गजरे भी बनवाए थे, जो कि मैंने ऑर्डर पर, और मतलब जो है ना अम्मी ने ऑर्डर पर बनवाए थे। तो खैर अभी वो आपको आने वाले, अभी जो है ना थोड़ी सी देर में अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बच्चे बैठे हुए ढोल बजा रहे थे काफी, बस जो है ना मस्तियां चल रही थी, और बस ये है। तो हमारे जो मेहमान थे ना वो तो आ चुके थे, और मेरी दोस्तें भी आ चुकी थी। यहाँ पर जो है ना बस मेरा दुपट्टा दोबारा से सेट हो रहा है, क्योंकि वो फोटोग्राफर जो है ना अपने हिसाब से जो है ना हर चीज को सेट करवाते हैं। और ये है, तो फिलहाल जो है अभी टाइम यूँ कुछ हो रहा है, मैं 7 बजे सैलून से आ चुकी थी, और उसके थोड़ी देर बाद तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे जो मेहमान थे वो भी आ गए थे। तो हमारा बस फैमिली गैदरिंग था, इतना कोई बाहर के लोग नहीं थे, बस मेरी दोस्तें बस 2-3, बाकी बस फैमिली वाले थे, और मेहमान जो थे उनकी भी बस फैमिली के लोग थे। इतना ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना घर घर में था निकाह इस वजह से। और अभी जो है आने वाले इवेंट्स जो होंगे वो अभी आप लोगों को बैंक्वेट वगैरह में नज़र आएंगे, तो उसमें माशाल्लाह से काफ़ी लोग होंगे। खैर यहाँ पर जो है ना सारा सेटअप हुआ हुआ था, जो है हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया था कि खाने पीने का जो है ना यहाँ पर सेटअप किया हुआ था, और बाहर टेंट भी बंधा हुआ था, और जो है ना निकाह जो है ना वो ऊपर वाले फ्लोर में, मतलब मेरे रूम के बाहर वाला जो है ना टीवी लाउंज वहाँ पर सेटअप किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना वो बच्चे खेल कूद रहे थे, और सब लोग खड़े हुए ना वेट कर रहे थे, बस ये फूलों के हार और पत्तियाँ सजा रहे थे कि अब जो है ना बस दूल्हे वाले आएंगे, तो उनका जो है ना बहुत ही एक भरपूर तरीके से और अच्छे अंदाज में जो है ना वेलकम करना है। तो सब बच्चों को जमा किया, सबको आवाज़ें लगाई कि बच्चों आ जाओ, बस जो है ना मेहमान आने वाले हैं। और उसके बाद सब लोग लाइन से खड़े हो गए थे, माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल दीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे फ़ोटो शूट भी हो रहा है, सब बड़े बड़े जो है ना मतलब निकाह में सारे के सारे बड़े बड़े लोग थे फैमिलीज़ के, कोई इतने ज़्यादा जो है ना रश नहीं लगाया था। तो खैर बाहर का कोई भी नहीं था, बस घर के अफराद थे, मतलब फैमिली गैदरिंग थी, गेट टुगेदर था। इसके बाद जो है बस अब मेहमान आने वाले हैं, और ये मेहमानों की अब एंट्री हो रही है।
पर जो है ना फाइनली मेहमान भी आ चुके हैं जिनका बहुत देर से मतलब घर वाले वेट कर रहे थे फूल पत्तियाँ हार लेकर। तो यहाँ पर जो है ना फौरन बच्चों ने फूलों की बरसात कर दी और यहाँ पे हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। फाइनली हमारा भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और आप लोगों का भी। तो आज जो है ना ये निकाह का इवेंट था और अल्लाह के हुक्म से तो जो है ना बस सब लोग माशाल्लाह से जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आप सब लोगों से भी जो है ना दुआओं की दरख्वास्त है, जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा से कहती हुई आई हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जैसे आप लोगों ने हमेशा से मुझे दुआओं में याद रखा है, आगे भी आप लोगों ने मुझे अपनी नेक दुआओं में और बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले व्लॉग्स जो हैं अभी बहुत सारी इवेंट्स आप लोगों से शेयर करेंगे और बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मेहमान जो आए थे और जो सामान लेकर आए थे वो सारे टेबल पे डेकोर करके रख रहे थे, बहुत ही अच्छे से सजा रहे थे। कुछ फ्रूट्स के टोकरे और कुछ चीज़ें और कुछ गिफ्ट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ना वो यहाँ पर रख रहे हैं। खैर तो जो है और बस अब सबकी एंट्री होगी और उसके बाद जो है मैं तो खैर यहाँ पर ऊपर बैठी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि दरअसल जो है ना मेरी दोस्तें जो हैं उनके हैंडओवर किया हुआ था मैंने अपना फ़ोन और वही व्लॉग शूट कर रही थी। फिर जो है मैं तो रूम में अपनी एक अकेली बैठी हुई थी अपनी दोस्त के साथ और वो मुझे ऊपर आके बता रही थी कि नीचे मेहमान आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है ना निकाह के छुआरे मतलब जिसको कहते हैं बिद कहते हैं, और आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। हमारे यहाँ इसको बिद भी कहते हैं छुआरे भी कहते हैं। और जो है ना इस तरीके से जो है ना निकाह के बाद बांटे जाते हैं, इसके ऊपर शादी मुबारक लिखा हुआ था तो ये भी जो है यहाँ पर रख दिए गए थे। तो फाइनली यहाँ पर सब लोगों की जो है ना एंट्री हुई और उसके बाद जो है ना अब हम लोग जो है ना पापा सब लोग जो है ना सारे गेस्ट वगैरह हमारे जितने भी सब लोग थे वो सब लोग आ रहे थे ऊपर, क्योंकि निकाह जो है ना वो ऊपर होना था, सारा सेटअप वगैरह जो था ना वो सब कुछ ऊपर हुआ हुआ था जैसे कि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया। तो ना यहाँ पर सब लोग अब आएंगे, सब लोग जमा हो रहे थे। अच्छा मैं बैठी हुई थी रूम के अंदर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर हो क्या रहा है, और मेरी दोस्त बस मुझे ना आके बता रही थी अब वो एंट्री हो गई है और मेहमान आ चुके हैं, अभी वो लोग ऊपर आ रहे हैं, अब तुम्हें बुलाने आने वाले हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। खैर मैं सुन सुन के ना मैं बड़ी नर्वस भी हो रही थी, मुझे इतना अजीब सा लग रहा था मैं अब क्या करूँ। तो बैठी हुई थी मैं बड़ी खामोशी से, मैंने बोला चलो ठीक है। तो जैसे कि अभी आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो कि सारे के सारे जो है ना बड़े बड़े यहाँ पर जमा हुए हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी चल रहा है, और साथ साथ में ना जो है निकाह का दुपट्टा भी आया था जो जिसके ऊपर चारों तरफ किरण लगी हुई थी और बहुत ही कोई खूबसूरत लग रही थी। ये बिल्कुल इसमें पैक होकर आई थी और ये बहुत ही जो है ना अच्छे तरीके से पैक हुई हुई थी, मतलब ये जो दुपट्टा है ये निकाह के टाइम उड़ाना था। और उसके बाद जो है ना गजरे वगैरह जो भी थे ना, मतलब सारे फूल वगैरह भी सारे वो पैक वगैरह होकर आए थे। तो जो है ना वो अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आगे चल कर। तो अल्लाह और माँ बाप के फ़ैसले से ये इवेंट जो है ना हमारे घर में आज तेफ आया था निकाह का, और काफ़ी लोग जो है ना कमेंट्स कर रहे थे कि जो है ना शादी है कब, निकाह कब है आपका, निकाह हो रहा है शादी नहीं हो रही। नहीं दरअसल शादी है, और क्या कहते हैं मतलब ये है कि हम लोगों ने बस थोड़े से दिन पहले जो है ना निकाह कर लिया था, क्योंकि चाँद की डेट के हिसाब से हम लोगों ने जो है ना बड़ों ने जो है
उस डेट को रखा था, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना बहुत ही कोई खूबसूरत गजरे भी मुझे पहनाने के लिए मेरे ससुराल से भी आए थे, और कुछ गजरे मेरी अम्मी ने भी बनवाए थे, जो कि हमारे वो निकाह वाले जो गजरे होते ना वाइट और पिंक रोज़ वाले, वो एक खूबसूरत जो है एक माला के साथ बनाया था अम्मी ने, पूरा ना बनवाया था। लेकिन मेरे ससुराल से भी बहुत खूबसूरत गजरे आए थे, लेकिन फिर मैंने वो दोनों ही पहने थे। यहाँ पर ना जो है बच्चे बैठी थी, मानू नूरिया लाया भाई तीनों बैठी हुई थी, और मतलब बच्चे बड़ा एक्साइटेड होते हैं दुल्हन को, दुल्हन को देखना है, और बस जहांगीर और इबाद हसन हुसैन भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं कौन घूम रहा है घर में ना, दुल्हन आई है ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो फौरन अंबर आप ही से दुल्हन नाम रख दिया मेरा बच्चों ने। यहाँ पर जो है ना मुझे लेकर जा रहे थे निकाह के लिए, और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि मैं दोबारा से अपने कमरे की तरफ पलट गई, क्योंकि बाहर जो है ना सब लोग बैठे हुए मेरा वेट कर रहे थे और निकाह का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर जो है ना सब लोग मेरा बाहर वेट कर रहे थे, सारे जेंट्स बैठे हुए थे बाहर, सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, और बाजी और भाभी मुझे यहाँ पर जो है ना निकाह के लिए लेकर जा रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा अपने दिल में नर्वस हो रही थी कि मैं बस बता नहीं सकती, मैं जो है ना बस सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद जो है ना मैं दोबारा से अपने रूम में गई, और यहाँ पर जो है ना फिर मेरी मुझे निकाह की जो वो होती है दुपट्टा होता है लाल दुपट्टा मुझे पहनाया गया, यहाँ पे उड़ाया गया, और बाकायदा जो है ना घूंघट डाल दिया गया कि जो है ना बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, निकाह के बाद ही जो है ना अभी तुम्हारा घूंघट उठेगा, तो इसको अभी तुम फ़िलहाल ऐसे ओढ़ लो। और अब जो है ना दुल्हन के चार चांद यहाँ पर जो है ना लग चुके थे, क्योंकि लाल दुपट्टा और मतलब प्यारा सा किरण के वाला दुपट्टा जो है ना इसको उड़ा दिया गया था, जिससे मतलब पूरा लुक ही चेंज हो गया था, और वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी दुल्हन उसकी दुल्हन वाला जो है ना मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, तो इसलिए जो है ना मतलब बिल्कुल प्यारा सा दुपट्टा था विदाउट एनी नेम के। यहाँ पर जो ना सब लोग वेट कर रहे थे, और बाजी भाभी मुझे अब लेकर आ रहे थे मेरे रूम से, लेकर मुझे लाउंज में लेकर आ रहे थे, क्योंकि लाउंज में जो है ना वो सेटअप था सारा, सब लोग बैठे हुए थे वेट कर रहे थे। अच्छा, हम लोगों ने ज़मीन का सेटअप किया था, तो अभी हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को वॉइस ओवर में थोड़ा सा जो है ना थकी हुई लग रही हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी अभी जो है ना थकी हुई हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो में मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज भी लग रही हो आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस मैं अब आ चुकी थी, सामने सब लोग बैठे हुए थे और मैं किसी को भी नहीं देख रही थी, मैं नीचे मुँह करके जो है ना अपना बस अब निकाह के लिए जा रही थी। और बस आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि वीडियो को देखते हुए माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। दूसरा ये कि मुझे नेक दुआओं में अपनी बहुत 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 सारी ना दुआओं में याद रखिएगा, और बस ये है अल्लाह की फजल व करम से जो है ना आज ये दिन पाया गया और ये इवेंट भी मुकम्मल हो गया था। अब ये इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, चलें अब आप लोगों को निकाह की वीडियो दिखाते हैं ये किस तरीके से निकाह हुआ और क्या हुआ। और यहाँ पर जो है ना मतलब निकाह को जो है काजी साहब पढ़ा रहे थे, और उस वक्त जो है ना बस मेरे कान और पांव इतने कोई गर्म और सुन हो गए थे कि बस समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। दरअसल वही जो है बस सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि सब लोग आपको देख रहे होते हैं और सबकी नज़रें जो है ना आप लोगों पे जमी हुई होती हैं। दूसरा ये कि आपका ये इतना बड़ा जो है ना डिसीजन होता है लाइफ का कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली होती है, जिसके अंदर लड़कियों बहुत ज़्यादा डर भी रही होती हैं और बहुत ज़्यादा कुछ खुश भी होती हैं, खुशी भी होती है, लेकिन जो है बस अल्लाह पाक ना सबके नसीब और सबके हक़ में जो बेहतरीन हो अल्लाह पाक उसको वही अता करे, और वही अता होता है जो हक़ में बेहतरीन होता है अल्लाह पाक वही देता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे हक़ में क्या अच्छा है और क्या नहीं है। अल्लाह ताला को सब कुछ जो है ना पता होता है, और क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो चुका और क्या कुछ होगा, ये अल्लाह ताला को हर चीज़ का जो है ना अल्लाह ताला ने जाहिर हमारा नसीब लिखा है, और ये चीज़ जो है ना बस जो बस ये नसीब में लिख दी गई है तो वो लाजमी होनी ही होनी है।
और यहाँ पर जो ना अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के हुक्म से जो है ना मेरा निकाह भी हो गया। तो लड़कियों अपने लिए जो ना हक में बेहतरीन मांगा करो, अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद रखो, हमेशा आप लोगों के लिए फिर अच्छा ही होगा। और बस ये इसी ईमान पर और इसी दुआ पर जो है ना बस मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ हक में बेहतरीन हो जाता है और हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना अब बारी आती है निकाह के सिग्नेचर की। और ये पेन जो है ना मैंने इतने टाइम से मतलब अम्मी ने लेकर रखा हुआ था, लेकिन जब निकाह की बारी आई तो दूसरा पेन पकड़ा दिया गया। उनका हाथ पीछे करें। तो शादी पर लास्ट पेन साइन का हाथ पेन रखेंगे, पेन रखें इस पर। तो माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो ना निकाह कंप्लीट हुआ, मतलब निकाह हो चुका है। दूसरा ये यहाँ पर जो है ना मतलब बस अल्लाह के हुकुम से और माँ बाप की जो है ना उससे जो है ना यहाँ पर एक बेहतरीन फ़ैसला पाया गया और दूसरा यहाँ पर अब निकाह हो चुका है। यहाँ पर अब बस फ़ोटोशूट कुछ हो रहे थे, उसके बाद अब निकाह के लिए दुआ पढ़वा रहे थे कि जो है ना बस सब लोग फ़ोटोशूट हो रहा था, सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे और मेरे को इतनी ज़्यादा इमोशनल बैठी हुई थी कि जो है ना बस अब मैं बस थोड़े दिन की मेहमान हूँ। मुझे पता नहीं क्या क्या सोच के ना बस रोना आ रहा था कि मैं बस थोड़े से दिन की मेहमान हूँ, अब जो है ना निकाह हो गया है। और बहुत सारी दुआएं कर रही थी और जिन जिन लोगों ने और जिन जिन लड़कियों ने मुझे दुआओं का कहा था, मैंने निकाह के टाइम और निकाह के बाद जो दुआ होती है उस वक्त मैंने सबके लिए दुआ करी, अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब बहुत अच्छा करे और जो उनके लिए बेहतरीन है उनको वही अता करे, आमीन। और आफ्टर निकाह यहाँ पर जो है ना बस मैं इमोशनल हो गई थी, जो कि बस हर लड़की हो जाती है, और मैं यहाँ पर मैं गुद हो गई थी। मेरी दोस्तें, बहनें, भाभी, अम्मी, खाला सब लोग मुझे चुप करा रहे थे कि चुप हो जाओ, अभी दूल्हे ने भी देखा तुम्हें। तो यहाँ पर मेरी दोस्तें आगे ना मुझे हंसा रही थी, फिर बस जो है थोड़ी देर बाद चुप हो गई थी मैं। अंबर का घूंगा डालो और ये हटेगा। तो यहाँ पर जो है ना फ़ोटोशूट शुरू हो चुका था, जो कि सब लोग खड़े हुए देख रहे थे निकाह के बाद, और वो गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ना आप लोगों ने शूट करवाना है, क्या करना है, क्या होगा। खैर यहाँ पर जो है ना बस निकाह के बाद सारे जेंट्स लोग तो चले गए थे, लेडीज़ लोग हमारे घर की फैमिली की जो है ना सब लोग खड़े हुए थी। उसके बाद जो है ना सब लोग देख रहे थे। अच्छा, मैं खामोशी से बैठी हुई थी और मैं इतनी नर्वस हो रही थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर जो है ना बस फौरन से हमने बस निकाह के बाद जो है पहली बार देखते हैं यहाँ पर वो सीन हुआ। देन इतनी कोई ज़्यादा शर्म आ रही थी कि जो है ना बस मैंने मुँह उठाकर फौरन फोटोग्राफर को देखा तो कहने लगा मुझे नहीं देखना, सामने देखना है। और बस अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि आने वाली व्लॉग्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पर निकाह के छुआरे जो होते हैं वो बटना शुरू हो गए थे, जो कि जो है मतलब लड़के वाले बाँट रहे थे। और ये मेरी दोस्तें हैं जो
सारे इंजॉय कर रही हैं और यहाँ पर मेरा शूट हो रहा है निकाह के बाद। तो मेरी दोस्तें जो है ना मेरे पास रुकी हुई थी क्योंकि फोटोग्राफर ने बोला था कि बस दो या एक लड़की रुक जाए तो जिनके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। तो मैंने जो है ना अपनी दोस्तों को अपने साथ रोका था और किसी को भी नहीं, सबको जो है ना मैंने कह दिया था कि बस आप सब लोग भले चले जाओ, खाना वाना खाओ अपना, और क्योंकि फोटोग्राफर ने सबको साइड कर दिया था। तो उसके बाद जो है ना बस मेरी दोस्तें मेरे पास खड़ी थी दोनों, और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा शूट हो रहा है। ये क्लिप्स और ये वीडियोस पिक्चर्स जब अब आएंगी तो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी जो है ना फॉलो कर लीजिएगा। तो जैसे ही ये पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करूँगी ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मतलब दिख जाएंगी, सही ना, लाइक कर दीजिएगा साथ साथ में ना। फिर यहाँ पर नीचे जो है ना खाना लग चुका था और ऊपर हमारा शूट चल रहा था दोनों का, और नीचे जो है ना सब लोग खाना खा रहे थे। खाने में था मटन कोरमा, सॉरी मटन कढ़ाई थी, और खाने में जो है ना ये अपना ते वाली बिरयानी थी जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनी हुई थी, और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है ना अरशद भाई जो है ना बिरयानी जो है ना निकाल रहे मिक्स करके, क्योंकि अब खाना लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह तो हो चुका है। निकाह के बाद अब हमारा फ़ोटोशूट हो रहा था, मतलब मैंने खाना नहीं खाया था, मेरा तो फ़ोटोशूट हो रहा था और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए नीचे खाना खा रहे थे। अच्छा तो ये है कि गरम गरम भाई देख खुली थी, अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, इसको देख के मैं क्या बताऊँ, मुझे भूख लगने लगी है अगेन और मुझे क्रेविंग हो रही है बिरयानी की। बहुत मज़े की बनी हुई थी ये, मेरे निकाह की बिरयानी है भाई। और ये है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को शादी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खाना लग चुका है निकाह का, और सब लोग अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर सब लोग जो है ना खाना इन्जॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।